वेलकम गाइस, ट्रूमार्क पैकेजिंग सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। आज हमारे साथ है इंडक्शन सीलिंग मशीन और हम लोग देखते हैं इंडक्शन सीलिंग मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स आता है, किस बॉटल को हम लोग सील कर सकते हैं और क्या एमएम का ये मशीन है, क्या एमएम के बॉटल को हम लोग सील कर सकते हैं, तो वो सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो, यहाँ पे इस मशीन में देख सकते हो, यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना काउंट हो रहा है, यहाँ पे ये दिखता है। फिर ये सीलिंग टाइमिंग दिखाता है यहाँ पे कि कितने टाइम तक ये सील करना है। जैसे ये बटन हम लोग जब प्रेस करेंगे ना, तो ये टाइमिंग ऑन होकर उतने टाइम के लिए, जैसे कि 5 मिली सेकेंड के लिए चालू है, तो उतना टाइम के लिए सीलिंग करके रखेगा। टाइमिंग हम लोग को बढ़ाना है तो ये इधर का बढ़ाने के लिए ये अप डाउन होता है, और इधर का बढ़ाने के लिए ये वाला अप डाउन यूज होता है। सो, ये इस मशीन का फ्रंट लुक है। अब इस मशीन का हम लोग देखते हैं, उस मशीन से ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा सा फीचर्स है। यहाँ पे हमको काउंट, जैसे कि ये मशीन कितना बॉटल किया है, उसका काउंट भी इधर पे चालू रहेगा। इधर पे रीसेट बटन है, हमारा काउंट जैसे ही बढ़ जाएगा हमको रीसेट दबा के, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये लाइन है पावर का लाइन, अभी जैसे ये मीडियम पे मशीन चल रही है, ठीक है, ये पावर दबाया, हाई पे आ गया और फिर उसको लो पे लाना है, फिर मिडल, ये लो, ये हाई। हम लोग अभी के लिए मिडल पे रखते हैं। और ये सेम सीलिंग टाइम, जैसे उधर पे ये सीलिंग टाइम था, वैसे सेम ये सीलिंग टाइम इधर पे दिखाता है, रिड्यूस करने के लिए इधर से, इंक्रीज करने के लिए इधर से, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे सील होता है, ठीक है। ये हमारा प्लास्टिक जार है, हमारे पास प्लास्टिक जार और ग्लास जार दोनों इससे सील हो सकता है। सो, ये प्लास्टिक जार है। प्लास्टिक जार अगर सील करना है तो हमको ढक्कन के अंदर का डायमीटर नापना पड़ता है, और अगर ग्लास जार हम सील करते हैं तो हमको ये बॉटल के ऊपर का डायमीटर नापना पड़ता है, ठीक है। सो, ये प्लास्टिक के जार को अब हम लोग सील करेंगे। ये हमारा है वेड, ये वेड का, वेड भी लगाते वक्त का ये चीज़ का स्पेशल ध्यान देना है कि जो इसका जो सिल्वर फॉयल है ना, वेड का ऊपर सिल्वर फॉयल, वो ढक्कन के ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो अंदर ये पीछे पेपर साइड या फुट्टा भी कुछ लोग बोलते हैं, ये फुट्टा जो है ना, ये ढक्कन के अंदर रहेगा। सो, ये हम लोग अभी ढक्कन के अंदर फिट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर सेटअप, एकदम ढक्कन के अंदर, ठीक है। और ये फिर लेके हमको बंद करना है जार को, ये जार को एकदम टाइटली बंद कर दिया हम लोग, ठीक है। एक सेटअप हो गया है, ये वोल्टेज आपको दिख रहा है 7 मिली सेकेंड के लिए हम लोग ने चालू कर रखा है, बस ये अब उठाना है, ठीक है, ये इधर सेट करना है। ये सेट करने के बाद एक ही बार प्रेस करके छोड़ देना है, डन, ये हो गया, ये हो चुका है, ये इसके अंदर ही रह गया, ये छोड़ दिया, ठीक है। और ये देख सकते हो आप लोग गाइस, सो ये एकदम पैक हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी रहेगा उसका सेल्फ लाइफ बढ़ गया। सो अभी हम लोग ने 100 mm का देखा वो कैसा सील किया, अब ये है 80 mm का। सो ये भी बॉटल हमारे पास है, ये थोड़ा उससे छोटा बॉटल है, 73 mm का कुछ इसका ढक्कन है, सेम एज इट इज़ हमको लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। और ये सिल्वर फॉयल हमारा ऊपर है, ये हम लोग ने कर दिया ढक्कन बंद, एकदम टाइटली बंद किए, फिट हो गया है। सेम आप सीलिंग टाइम देख सकते हो 1.2 सेकेंड, ठीक है, मीडियम पे है, अभी कैपेसिटी 0 है। इसके अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, आप लोग को दिख रहा होगा गाइस, ये रख दिए, फिर 1 टाइम, ठीक है, ये कैपेसिटी 1, मतलब अभी मैंने एक सील किया, ठीक है, सेम एज इट इज। इसके ऊपर चलो ये भी आ गया, ये ऐसा कम रहता है, ये क्लिक हो गया, देख सकते हो आप। सो, और इसके अंदर कैपेसिटी 1, इसका काउंट भी हो गया, मैंने एक कर दिया। गाइस, ये अभी हम लोग ने इंडक्शन सीलिंग मशीन का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया कि कैसा है। सो, ये वही है, ये है, बस इन दोनों में इतना ही फर्क है, ये आपका 100 mm का जार कंप्लीटली सील कर सकता है, और ये आपका सिर्फ 80 mm तक का ही जार सील कर सकता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।